Mr. Ram Taichale is from Government of Maharashtra and he's a very valuable partner for Read India. He has given his space in Latur to, you know, set up a community library and resource center in his community. And he continues to guide us, network with us to bring this mission to larger communities. Welcome, sir. I would request Jai sir to welcome him with a shawl. Along with Mr. Daif Ali, we also have some of our other partners. I would like to call upon Farah. Harsh, yeah. Farah, please come on stage. I would like to call upon Mr. Harsh Arora. Harsh sir, please come on stage. From our community, I would like to call Anju from Dwarka Center. Ritu from Jaja Center. Ritu, Mr. Dalal had to leave, so you will be representing our community in Jaja. Please come on stage. We have some partnership experts here with us. Dr. Sakshi from Rishud University, please come on stage. Please welcome Dr. Sakshi. आपकी तालियां क्यों ठंडी हो गई? पर क्या होगा, चाय क्यों नहीं मिली? चाय भी मिलेगी सबको. So the this bit is all about how our partnership has been, how this community concept is possible on ground with a strong partnership, strong community engagement, and how we are contributing to the 17th SDG, which is all about partnership. So I would like to start with Thankfulness Sir Ji, aapke saath. So would you, you know, share your views? If you're comfortable, you can, you know, we'll have just a round table over here, or if you want to come to the dais. Namaskar. Jai Suraksha. मैं राम भागीरथी भाई दिगंबर दहीफले. आई केम फ्रॉम महाराष्ट्र मुंबई. ये रीड इंडिया में मैं कैसे ज्वाइन हुआ उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. व्हेन आई वाज वर्किंग इन औरंगाबाद, तो एक रीड इंडिया ने एंड परकिंस इंडिया जो औरंगाबाद में काम करती है, उन्होंने एक लड़कियों के स्कूल में एक टॉयलेट बिल्टअप किया था और उसका इनॉग्रेशन के लिए मुझे बुलाया था. और उसके बाद में उन्होंने एक वहाँ एक नज़दीक सेंटर रीड इंडिया चलाती है, उसका सेंटर देखने के लिए मुझे लेके गए. सेंटर देखने के बाद मुझे अच्छा लगा कि मैंने फिर वो सेंटर के बारे में पूरा समझ लिया है, वो मतलब उसको कौन चलाता है, पार्टिसिपेंट कौन है, उसके लाभार्थी कौन है और कंसेप्ट क्या है. तो वहाँ दो चार कोर्सेज मतलब अच्छे से चल रहे थे. वहाँ के जो सेंटर कोऑर्डिनेटर थे, टीचर थे, उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई समझाई. छोटे बच्चों के लिए था लाइब्रेरी, देन ड्रेस मेकिंग और कुछ दो चार कोर्सेज थे. तो उसके बाद में मैंने मेरे बड़े भाई से बात की, उनको भी बुलाया वो सेंटर देखने को. फिर एक भाई मेरा प्रोफेसर है, उसको भी बुलाया और उनको दिखाया. और बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि ऐसे कुछ अपने एरिया के लिए अपन कर सकते, तो लेकिन क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन सेंटर देखने के बाद लगा कि अपन कुछ मतलब कम्युनिटी के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने गांव के लिए कर सकते हैं.
जब बात कही तो परकिंस वाले जो मैनेजमेंट के स्टाफ थे उन्होंने बताया कि सर हमारा जो ये है डिस्टेंस वो लिमिटेड है, मतलब 15 किलोमीटर के दायरे में ही हम कुछ कर सकते हैं। फिर रीड का जो स्टाफ था उनसे भी बात किया तो बोला आपकी बात हम हमारी गीता मैम उसके बारे में सोचती है और आप जब औरंगाबाद में मैडम आएंगे तो आप उनसे हम आपको आपको उनको मिलाते हैं। तो बीच में फिर मैम आ गई, हम भी मिले, मैम को भी एक दो प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया और सिर्फ मैम को बताया कि मैम ऐसा ऐसा है, हमारा गांव औरंगाबाद से 300 किलोमीटर है और वहां ज़रूरत है। मैम ने उस समय सिर्फ सुन लिया, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी बोली नहीं। तो मैम आई, हमारा गांव देखा, स्कूल देखा, गांव के लोगों से मिली और बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव के लोगों ने तो मैम को बोला गांव की बेटी आई है और तब से मैम 3-4 बार आ गई है। उसके बाद में बीच में कोविड आया और कोविड आने के बाद तो 2-3 साल अपने को कुछ मतलब सब दुनिया ही ठप हो गई थी, लेकिन कोविड की जैसी जो इंटेंसिटी थी वेव थी वो कम हो रही थी। तब एक दिन सुबह मैम ने मेरे को याद किया फ़ोन पे और बोले सर आपने बोला था कि आपको ऐसा करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा मैम क्या करना है, तो मैम बोले आप सिर्फ जगह देखो बाकी मैं देख लेती हूँ। तो फिर जगह मेरे पास जो मतलब थी थोड़ी अनडेवलप थी तो मैम से समझ लिया क्या क्या करना है और जो औरंगाबाद का रीड का स्टाफ था मैम ने उन्होंने उनको काम पे लगाया और एक दो बार मेरे साथ भेजा और जो भी जगह थी उसको हमने डेवलप किया अच्छे से, जो भी फैसिलिटी अपने को लगती है। और वो रेडी होने के बाद मैम ने पूरा जो बेसिक कोर्स थे तो उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भेज दिया और स्टाफ को भी मतलब लोकल स्टाफ को ही हमने मैम के गाइडेंस पे ये तय कर दिया, मतलब थोड़ा डेवलप किया। और अभी शिवरात्रि के 2 साल कंप्लीट हो गए हमारे सेंटर को और वहाँ पर अभी लगभग 7 कोर्सेज चलते हैं। मतलब आपको बता दो कि उसमें ड्रेस मेकिंग है, फिर जो ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी है, उसके बाद छोटे बच्चों के लिए है, मसाला मेकिंग है, फिर जो हॉस्पिटैलिटी के लिए नर्स असिस्टेंट है, ऐसे 6 से 7 कोर्सेज चलते हैं। अभी जो लोग वहाँ पर मतलब जो स्किल टू सक्सीड मतलब जिन्होंने स्किल सीखा है दे आर डिमांडिंग, अभी हमको हमारे हाथ को काम दो या हमें कोई एम्प्लॉयमेंट दे दो। तो जब मैम अभी आई थी बीच में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो उस समय भी वो लोग मैम को मिले और मैम ने अभी ये अगला शब्द दिया है हमें कि तुम जगह डेवलप करो, हम कुछ ना कुछ मदद करते हैं और जो मतलब क्या बोलते हैं स्टार्टअप, अभी स्टार्टअप करने जा रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है अगले आने वाले साल में हमारे भी सेंटर से कोई प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करने की मैं मतलब कमिटमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो थैंक यू गीता मैम एंड ऑल टीम फ्रॉम द रीड इंडिया, क्योंकि मेरा जो गांव है जो एकदम डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर है, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर लगती है और एकदम एंड पे है, तो थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से या डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वो नहीं है, सिर्फ लोग खेती है, बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं है आजू बाजू में, जो भी मतलब रोजगार रहता है उतना नहीं है, लोगों को आना है तो बाहर आना पड़ता है मुंबई पुणे या औरंगाबाद जैसे सिटियों में। तो रीड इंडिया के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, अभी स्किल तो हमने शुरू किया है, आगे चल के स्टार्टअप करके अभी बहुत मतलब कुछ चंद दिनों में हम मसाला मेकिंग एंड टेलरिंग का ये कर रहे करने जा रहे हैं।
तो मैम को मैं वो स्टार्ट करने के लिए इनवाइट करता हूँ और फिर से धन्यवाद देता हूँ कि सिर्फ सेंटर ही स्टार्ट नहीं किया, उसको बहुत आगे तक लेके गए। अभी कम से कम 1001 महिलाओं ने उसका लाभ लिया है 2 साल में, तो इससे पता चलता है कि वहाँ कितनी ज़रूरत है। और लोग आजू बाजू में भी सेंटर की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग उधर नहीं आ सकते ना। तो अभी मैम भी, हम भी सोच रहे हैं कि नज़दीक में ही कहीं सेंटर शुरू कर सकते हैं और जल्द ही शुरू होगा। तो थैंक यू, मुझे यहाँ बुलाया और सम्मानित भी किया और 2 शब्द बोलने का अवसर भी दिया। और इतने सारे मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो अपने पार्टनर्स है, जो पार्टिसिपेंट है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनसे मिलाया और बहुत अच्छा लगा कि और भी मतलब क्या क्या कर सकते हैं। ये दिन भर सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सिर्फ स्किल से, मतलब मैंने बहुत सारे चीज़ें मैडम से सुनी थी, लेकिन आज वो मतलब सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे मतलब रीड इंडिया सिर्फ 2-4 सेक्टर में ही नहीं है, लाइफ बनाने में बहुत मतलब जैसे खेती से निगड़ित है या एजुकेशन से निगड़ित है या जैसे हनी बीज है या और भी चीज़ें हैं उसमें मतलब अपन ये कर सकते हैं। तो मैं भी इसमें से बहुत सारा लेके जाके वो लोगों को पास ऑन करूँगा। और आपको सर शब्द देता हूँ कि अगले साल हमारा 1-2 प्रोडक्ट तो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। आई वुड नाउ लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर हर्ष अरोड़ा। ही इज अ नॉलेज पार्टनर एंड ही कंटिन्यूज टू यू नो हेल्प अस बिल्ड आवर कैपेसिटीज एंड हेल्प अस बिल्ड सॉफ्ट स्किल्स। सो प्लीज सर शेयर योर व्यूज। थैंक यू स्मिता। Thank you, Geeta ji. Thank you, Read India, for inviting me for this conference. And congratulations for completing 17 years. So being a leadership coach and trainer, I think मैं वही skills use करते हुए अगले 5-10 मिनट आपसे बात करूँगा। और क्योंकि हम एक theme के ऊपर बात कर रहे हैं जो है partnership, तो partnership के कुछ elements होते हैं और उनमें से कुछ elements के ऊपर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। पहला element है trust, right? एंड हम बहुत सारे लोग बहुत लूजली इस वर्ड को यूज करते हैं। क्या हम किसी के ऊपर भी पूरी तरह से कभी भी आज तक ट्रस्ट कर पाए? कितने लोगों को लगता है कि आप पूरी तरह से किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं? ओके, वेरी फ्यू, राइट? लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट नाउ। यूजली हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं फॉर समथिंग। मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं जब तक आप मेरे पैसे नहीं चुराएंगे। मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं जब तक आप मेरे ऑफिस में कोई धोखा नहीं करेंगे। मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूं जब तक आप मेरी वाइफ के साथ फ्लर्ट नहीं करेंगे, राइट? हम हर किसी पे ट्रस्ट किसी चीज के लिए करते हैं कि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक मेरा ट्रस्ट आपके ऊपर है। क्या वो ट्रस्ट है या एक सौदेबाजी है? वो एक बाटा सिस्टम है कि अगर आपने ये किया तो ट्रस्ट खत्म। जबकि ट्रस्ट की ट्रू डेफिनेशन क्या है? ट्रस्ट एक गिफ्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं, और वो सिर्फ गिफ्ट तब काम नहीं आता जब आप कुछ गलत नहीं करते। वो काम तब आता है जब आप एक्चुअली कुछ गलत कर देते हैं। So English में इसकी saying है, trust is a gift bestowed on the other, fully knowing that the other person can hurt me. Trust एक ऐसा gift है जो हम दूसरों को देते हैं ये जानते हुए कि सामने वाला मुझे hurt कर सकता है। आपके पास हमेशा choice है कि जब आपसे कोई गलत करे, झूठ बोले, धोखा दे, आप उसके ऊपर trust मत करिए। लेकिन अगर आपने चूज किया है कि आप उसे दोबारा ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो ट्रस्ट फुली होना चाहिए। आई थिंक दैट्स द फाउंडेशन ऑफ एनी पार्टनरशिप। यू नो, जब हम सब किसी जॉब में आते हैं, नौकरी में आते हैं, तो आपको ना कुछ 2-3 महीने की प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, राइट? तो ऐसे ही जब कोई हमारा ट्रस्ट तोड़ता है ना, तो हम उस इंसान को यूजली प्रोबेशन पीरियड पे डाल देते हैं।
हम एक सीसीटीवी बनकर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, अरे देखो ये कुछ कर तो नहीं रहा, अरे गलत तो नहीं कर रहा। हम उसे हमेशा शक की नजर से देखते हैं फॉर सम टाइम। दैट्स नॉट ट्रस्ट। जब भी आप किसी पर ट्रस्ट करें, चाहे गलत करने के बाद या पहले, वो 100% अनकंडीशनल करें। एंड माई इन्विटेशन टू यू इज ट्राई एंड स्टार्ट लिविंग लाइफ विद योर पार्टनर्स, वेंडर्स, विद योर एम्प्लॉयज, विद योर टीम मेंबर्स एंड इन योर फैमिलीज एंड सी हाउ लाइफ इज। सेकेंड, वी ऑल हैव हर्ड द वर्ड फॉर ऑनेस्टी। सबको पता है ऑनेस्टी क्या होती है? क्या है ऑनेस्टी? ईमानदारी। और ऑनेस्टी? बिल्कुल नेकेड ट्रुथ, राइट? बिल्कुल सच। एक और वर्ड है जिसका नाम है इंटेग्रिटी। कौन बताएगा मुझे इसका मतलब? इंटेग्रिटी, व्हाट इज इंटेग्रिटी? जी, विश्वास। ओके, सॉरी, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट पॉलिसी। ओके, एनीथिंग एल्स? व्हाट इज इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी इज कि जो मैं इस समय बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूं अपने बारे में। इसको एक उदाहरण की तरह समझते हैं, राइट? स्मिता, कैन आई टेक यू एज एन एग्जांपल? ओके, डिंपल आपको भी ठीक है, एंड आपको ले लेते हैं, ठीक है? सो आपकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है और वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज में है कैंसर या किसी भी एक डिसीज के लिए, ठीक है? और स्मिता जो है वो आपके मदर की बेस्ट फ्रेंड है, तो आपकी भी बेस्ट फ्रेंड है और आपकी मदर को बहुत अफेक्शनेट है, तो वो हॉस्पिटल आती है देखने के लिए। आप उन्हें बोलते हैं, स्मिता मम्मी को ना बताना नहीं कि क्या हुआ, ठीक है? उनको डर लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, जितने दिन है उनको खुशी से जीने, तो प्लीज बताना मत उनको कैंसर हुआ है या उनके पास कुछ ही दिन है, ठीक है? तो स्मिता आप जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो मदर पूछती है कि स्मिता मेरी बेटी तो मुझे बता नहीं रही कि क्या हुआ, तू बता मुझे क्या हुआ है। क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे आप? नहीं बताएंगे, राइट? सो सबकी लगभग यही सोच है। कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में जाकर मदर को सच नहीं बताएंगे? ऑलमोस्ट सभी, राइट? जब आप उस हॉस्पिटल के कमरे से बाहर आ रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, राइट? कुछ लोग गिल्टी भी महसूस करेंगे ऑब्वियसली, बट जितने भी लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्या आप ऑनेस्ट थे? यू आर नॉट ऑनेस्ट। आप ईमानदार नहीं थे वहां पर, लेकिन आप अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पर, उस मोमेंट पे आपको वो सही लगा। दिस इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का सिर्फ एक ही पैरामीटर है, जब वो इंसिडेंट में कोई भी एक इवेंट होता है, आपकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियंस, वो ट्रिगर करती है आपको। आपकी चॉइस है कि आप उसको सुनिए या फिर ना सुनिए। अगर आप उसे सुनकर काम करते हैं तो यूजली जब आप वो इवेंट ओवर हो जाता है तो आप अच्छा महसूस करते हैं, और अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपको अंदर से गिल्ट महसूस होता है, एक लॉस ऑफ वेलबींग महसूस होता है। बस वही एक पैरामीटर है ये जानने के लिए कि आप इंटेग्रिटी में हैं या नहीं है। और किसी भी पार्टनरशिप में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप सब लोग रिमोटली काम करते हैं, आप इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट शहरों में डिफरेंट जगहों पे सेंटर चलाते हैं और रीड इंडिया का ऑफिस गुड़गांव में है, वो 24 घंटे आपके ऊपर नजर नहीं रख सकते। मैं भी कुछ महीने पहले एक रिटेल चेन जो मेरी क्लाइंट है जिनके साथ मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ, उन दो मैं उस एडमिन रूम में पहुंचा एक ब्रेक में, और वहां दो लोग आपस में बात कर रहे थे, और उस पर्सन के पास, एक पर्सन के पास उसी टाइम पे स्टेशनरी का स्टॉक आया था उस महीने का। तो जो दूसरा पर्सन था, ही सेड तेरे बच्चे के एग्जाम होने वाले हैं, इसी में से कुछ निकाल ले, बाहर मार्केट में क्यों खरीदोगे? तो ही सेड नहीं नहीं गलत है ये। एंड दिस गाय सेड कौन देख रहा है? ही सेड मुझे तो पता है ना गलत है। आपको पता होता है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और अगर आप किसी भी पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के स्पेस को अगर आप समझ लेंगे तो वो पार्टनरशिप हमेशा लंबी चलेगी। एट सम मोमेंट्स
यू कैन बी डिसऑनेस्ट बट एनश्योर दैट यू आर इन इंटेग्रिटी, आप हमेशा उस इंटेग्रिटी में रहे, मेक सेंस। एंड थर्ड, एंड इसके बाद आई लैंड इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन एनी पार्टनरशिप इज लिसनिंग। हमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में सुना होगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग क्या होती है? व्हाट इज हियरिंग? हियरिंग भी सुनना होती है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच। हियरिंग मींस जब हम सब कुछ सुन रहे होते हैं, बाहर क्या साउंड आ रहा है, आसपास कोई शोर मच रहा है, हम सब कुछ सुन रहे हैं, वो हियरिंग है। और लिसनिंग है जब हम सारे साउंड्स को इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ एक साउंड पे फोकस करते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, वो है लिसनिंग। इन एनी पार्टनरशिप, इन एनी रिलेशनशिप, क्या आप अपने कोवर्कर को, क्या आप अपने पियोन को भी, क्या आप अपने बॉस को भी ट्रूली सुन रहे हैं? क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं, और वो एक थर्ड लेवल है पार्टनरशिप का। बिकॉज जब आप पूरी तरह से समझते हैं तो काम को गलत करने की गुंजाइश कम रहती है। लेकिन अगर आप इसको एक और लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट स्टेप कोशिश करिए। व्हाट इफ आई आस्क यू 17 into 8? 17 into 8, 17 into 8, कितने लोग बता पाएंगे बिना सोचे? आपको याद करना पड़ रहा है, राइट? कितने लोगों को साइकिल चलानी आती है, राइट? लास्ट टाइम कितने, पिछले ऑलमोस्ट एक साल में साइकिल कितने लोगों ने चलाई है? बहुत कम लोगों ने, राइट? लेकिन अगर आप में से सबको यहां साइकिल दे दी जाए, आप बिना सोचे समझे उसका पैडल लेके आप उसे चलाना शुरू कर देंगे, राइट? बट क्या कोई यहां आकर मुझे ये समझा सकता है कि वो जो साइकिल का बैलेंस है उसका फॉर्मूला क्या है? कोई नहीं बता पाएगा। कौन सी फिजिक्स केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगता है हमें नहीं पता, बट समवेयर किसी ना किसी तरह से वी गॉट द बैलेंस। जब भी हम जिंदगी में कोई भी चीज करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, एंड वी ट्राई एंड गेट थिंग्स, वी गेट इट फॉर लाइफ। पर जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें उस हर बार उसको याद करना पड़ता है। सो जब भी आप कोई पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्राई एंड गेट थिंग्स एंड यू गेट इट फॉर लाइफ, एंड दैट पार्टनरशिप विल बी फॉर इटर्निटी। एंड जब आप उस तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी लीडरशिप हो, कोई भी पार्टनरशिप हो, किसी भी तरह के वर्क एनवायरनमेंट में हो, यू विल ऑलवेज एक्सेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हर्ष जी। पार्टनरशिप का बैलेंस किस तरह हम मेंटेन कर सकते हैं, पार्टनरशिप के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपने हमें शेयर किया है अपने व्यूज। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर साक्षी, शी इज़ आर पार्टनर, नॉलेज पार्टनर फ्रॉम ऋषिवुड यूनिवर्सिटी। नमस्ते एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से गीता मैम का और मालवीय सर का दोनों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आज इस स्टेज पे मैं इन दोनों की वजह से ही हूँ। और आज बहुत अच्छा दिन है हमारे लिए गीता मैम। आई थिंक आपको भी याद होगा, लास्ट ईयर 16 फरवरी को 2023 में वी हैव साइन MOU विद रीड इंडिया फाउंडेशन। तो एक साल पूरा हुआ, मतलब एक ही महीना ऊपर है, तो ये भी बहुत अच्छा दिन है आज कि मैं इस स्टेज पे मैम के सामने हूँ। ड्यूरिंग MOU मैम से मैं फर्स्ट टाइम मिली थी, और मुझे मैं ये कह सकती हूँ, एक शेर मैं मैम के लिए बोलना चाहूँगी। इट्स नॉट शेर, इट्स अबाउट हिंदी की कुछ पंक्तियाँ। यूं ही नहीं बन जाती इमारतें आसमानों को लुभाते हुए, यूं ही नहीं बन जाती इमारतें आसमानों को लुभाते हुए, इसे बनाने में कुछ किरदारों को पसीना लहू की तरह बहाना पड़ता है। एंड गीता मैम इज़ वन ऑफ दैट पर्सन। मैम ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दी। आई थिंक आई हैव टेकन 2 sessions ऑन गीता फॉर रीड इंडिया फाउंडेशन, एंड मुझे आज ही पता लगा कि मैम आप टीचर इंडिया टीचर फॉर ट्रेनिंग का भी आप स्टार्ट करते हैं, तो आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ ऑन दैट ऑल्सो।
हमारी यूनिवर्सिटी का मैम के साथ जो MOU साइन हुआ दैट इज़ बेसिकली ऑन डिज़ाइनिंग सम कैप्सूल प्रोग्राम्स फॉर दी कम्युनिटी. और आज मैंने बहुत रिनाउंड लोगों को सुना और अभी सर ने, मैं क्योंकि पार्टनरशिप की बात नहीं ज़्यादा करूँगी, सर हैज़ कवर्ड एवरीथिंग. एक बात बोलूँगी, स्किल्स टू सक्सीड की बात ट्रेड इंडिया फाउंडेशन करता है एंड मेरी ज़िंदगी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि डूइंग PhD इन भगवद गीता तो मेरा लाइफ को देखने का परसेप्शन डिफरेंट हुआ. आई हैव रेड भगवद गीता फ्रॉम, मतलब मैं जब 10 साल की थी तब से अपने घर में सबसे सुन रही थी. तो ज़िंदगी में एक एम बनाया था मैंने भी कि लाइफ में PhD ज़रूर करूँगी, शादी होना हो PhD ज़रूर करूँगी बट ऑन भगवद गीता. तो ये टचवुड भगवान जी ने मेरी ये चीज़ ज़रूर पूरी की. मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी स्किल अगर हम ज़िंदगी में सीखते हैं उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें ज़िंदगी जीने के तरीके आने चाहिए, बहुत ज़रूरी है. तो गीता मैम के साथ एक और कोलैबोरेशन मैं चाहूँगी. मैम आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वो भी अपॉर्चुनिटी देना. आई हैव डेवलप्ड द कोर्स ऑन सोल दैट इज स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ. मॉड्यूल्स हैं उसके 10-12 मॉड्यूल्स. जो स्किल्स आप लोग कर रहे हैं जिनसे आपको आपकी जीविका चलाने का आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, वो उससे पहले आपको ह्यूमन बींग बनना बहुत ज़रूरी है. हम देखते हैं बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग जो हैं मोबाइल पे कैप्चर करते हैं वो वीडियोस, और क्यों, क्योंकि वो फेसबुक पे डाल देते हैं कि हम लोग, मतलब सोशल नेट, डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स. वेयर इज़ दैट एम्पैथी, मतलब वेयर इज़ दैट सेंसिटाइजेशन. हम आज बातें AI की कर रहे हैं, AI हमें मशीन बना रहा है बहुत ज़्यादा. जैसे एक अभी एक रिनाउंड पर्सनैलिटी ने एग्जाम्पल दिया था सर, शायद आप ही ने, कि आज सात वाले घर में किसी की डेथ हो जाए तो हम कहते हैं सानू की, लाइक इन पंजाबी, आई एम ऑल्सो पंजाबी पर्सन. वो क्यों आ रहा है आज हमारे मन में, आज हमारे बच्चों को क्यों नहीं पता रिलेशंस क्या हैं, क्योंकि हमने वो सॉफ्ट स्किल्स ही बच्चों में नहीं डाले. वो बहुत ज़रूरी है आज हमारे कल्चर में, बिकॉज आर यूनिवर्सिटी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी एंड दिस इज़ द बेस्ट कोलैबोरेशन बिटवीन ऋषिहुड यूनिवर्सिटी एंड रीड इंडिया फाउंडेशन, बिकॉज रीड इंडिया फाउंडेशन इज़ ऑल्सो डूइंग द वर्क विच इज़ हैविंग दैट सोशल इम्पैक्ट. तो हम लोग भी, हमारी यूनिवर्सिटी इज ऑन द मिशन ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला, हम भी अपने बच्चों में वो गुरुकुल सिस्टम के थ्रू वो वैल्यूज इनकलकेट कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट कि वो सॉफ्ट स्किल्स, वो जो स्किल्स, मतलब जो हम, मतलब आज हमारे बच्चे हमारे आगे से निकल जाते तो एक सेमेस्टर के बाद भूल ही जाते हैं कि हम उनके टीचर भी हैं. बट स्टिल, मतलब मेरे ख्याल से हम सभी की जनरेशन के हैं, आज भी हमारे प्रोफेसर्स का कॉल आता है, बैठे हुए होते हैं घर में, इवन हमारे बच्चे कहते हैं वो देख तो नहीं रहे आपको, हम स्टैंडिंग पोजिशन पर उन्हें विश करते हैं. फ़ोन पर होकर भी हम कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर. क्यों? क्योंकि हमारे संस्कारों में वो चीज़ें डाली गई हैं, हमारी परवरिश में वो चीज़ें डाली गई हैं. आज मेड्स बच्चों को पाल रही है, नो डाउट इट्स ऑल्सो नेसेसिटी बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, बट वो वैल्यूज तो पेरेंट्स ही देंगे ना. वो दर्द जो माँ ने बच्चा पैदा करने के टाइम सहा था, तो उस दर्द को क्यों भूल गई आज वो माँ? क्यों वो बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आ रहे? क्यों वो बच्चे जो है विदेश जाकर, जैसे अभी सर ने भी बोला, सॉरी सर मुझे आपका नाम नहीं पता, जिन्होंने कहा 4 बार मेरा बेटा कनाडा से इंडिया आएगा, मेरी डेथ पे, मेरी वाइफ की डेथ पे, घर जब बिक जाएगा और वॉट एवर. हाँ, क्यों ऐसा हम सोचते हैं? हमने तो आज तक क्यों, हमारे टाइम पे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे वृद्धाश्रम नहीं बने थे, आज क्यों है? हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें जो है ना, हमारे थ्रू ही हमारी जनरेशन को जाएगी, जो हमारे अपने बच्चे हैं. क्योंकि आज सिंगल चाइल्ड ना सुनने की आदत नहीं है, क्यों नहीं डाली हमने? जॉइंट फैमिली में एक ही बच्चे को चीज़ें मिलती थी, उसके कजन्स वही जो हैं आगे फॉरवर्ड करते थे. आज बच्चा कहता सब कुछ मेरा है, वो मेरे के चक्कर में उसके अंदर तो शेयरिंग रहा ही नहीं ना. तो हमें ये सब चीज़ें अपने बच्चों के अंदर डालनी चाहिए. मैं अपने खुद अपने स्टूडेंट्स को, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 16 ईयर्स आई एम हार्डकोर टीचर एजुकेटर, आई ट्रेन दी टीचर्स. तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर क्लास में ये कहती हूँ कि अपनी लाइफ के 24 घंटे में से 1 घंटा अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करो. एक टाइम जो है मील अपने पेरेंट्स के साथ, डाइनिंग टेबल, धरती पर कहीं भी बैठ के खाओ, बट एक टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनसे सीखो, उनसे पूरे दिन की दिनचर्या जो है वो डिस्कस करो, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों से ही ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मिलता है. हम जो कहते हैं ना कि पढ़ लिख गए, एजुकेशन इज़ नॉट ओनली टू अटेन डिग्रीज, टू हैव मोर एंड मोर क्वालिफिकेशन, एजुकेशन इज़ अबाउट टू लिव लाइफ इन अ बेटर वे.
और वो हमारे संस्कार, हमारे इंडियन टेक्स्ट, हमारी माइथोलॉजी और हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे बड़े सिखाते हैं। सो मैम के साथ मिलके हम और आगे बहुत सी चीज़ें करेंगे जो पाइपलाइन में हैं। मालवीय सर के बिहाफ में मैं यही बोलूंगी कि मैम आपके साथ मिलकर हम ऋषिहोट यूनिवर्सिटी एज अ नॉलेज पार्टनर विद रीड इंडिया फाउंडेशन विल डेफिनेटली डू अ नंबर ऑफ माइलस्टोन्स इन द यू नो फील्ड ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Dr. Sakshi. And you know, the thought-provoking questions that you've asked, I think as a generation, that is something we are quite responsible for, because as mothers, as educators, as a librarian, I think this is where our responsibility to hand the baton to the next generation. So I think we are all answerable to Dr. Sakshi, and during the session we'll talk more about, and especially during the session on soul, right? सो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे जो स्टार्स हैं, शाइनिंग स्टार्स, उनके जो लीडर्स हैं हमारे साथ, अंजू हैं, रितु हैं, फरा हैं, आप यू नो आप अपनी कुछ यू नो जर्नी बताएंगे शॉर्ट में, बिकॉज आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑन टाइम ऑल्सो, एंड देन वी विल टेक द नेक्स्ट सेशन। सो प्रॉब्ली विद फरा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरा। तो थोड़ा सुबह से चलती हूँ, मैंने सोचा था शायद मुझे आज बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी दिल में था कि लास्ट मोमेंट पे 2 मिनट्स मुझे बोलना ही है। तो मैंने एक कविता भी लिख के फोटो खींच के रखी है कि अगर बोलने का मौका मिला तो ज़रूर आपको सुनाऊंगी। और एक और बात मेरे मन में सुबह से चल रही थी कि कब वो दिन आएगा कि मैं यहाँ स्टेज पर बैठूंगी। पता नहीं क्यों अंदर से ही फील हो रहा था कि कब मैं ऐसा कोई अच्छा काम करूंगी कि मुझे भी ऐसे बुलाया जाए, और जैसे सर का सारा दिखाया जा रहा था कि सर ने ये अचीव किया है, इतनी लाइब्रेरीज खोली हैं और लाइब्रेरीज के बारे में बताया है, तो वही मेरे मन में बहुत टाइम से सुबह से चल रहा था। बट जैसे ही स्मिता मैम ने मेरा नाम लिया, आई एम वेरी वेरी शॉक्ड कि मैं उठी फिर बैठी कि नहीं मैं नहीं हो सकती, कोई और होगा। तो वही है कि हम सपने देखते हैं और लगता नहीं है कि कभी वो सपने साकार होंगे, लेकिन जैसे ही वो सपने साकार होते जाते हैं हम एक छोटे से इतने से होते हैं, और जब हम इतना बड़ा बन जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये हमारी मेहनत का फल है या हम सबसे अलग हैं। मतलब समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसा क्या किया है कि हम यहाँ तक पहुँच गए। तो आप सब मुझे तो जानते हैं, थोड़ी सी मैं अपनी जर्नी को भी लेके जाऊंगी, टाइम कम है तो शॉर्ट में ही बताऊंगी। 7 ईयर्स पहले, कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा सा बताते हुए चलूंगी। 7 ईयर्स पहले जो रीड इंडिया हमारे आगापुर में खुला था, तो उसको रीड इंडिया के नाम को सुन के ही मैं बहुत शॉक्ड थी, और वहां पर मैंने जब सुना कि लाइब्रेरी, सिलाई, पार्लर, कंप्यूटर, लड़कियों के लिए काफी सारी चीजें सेंटर पे हमारे घर पर, घर के पास हमारे लिए आई हैं। बट एक मैं मुस्लिम इलाके से थी, वहाँ कोई भी लेडीजों को जाने का, कहीं भी घर से निकलने का कोई भी पेरेंट्स ने हुक्म नहीं दिया था। जाना है तो वही मुख्य से जाना है। जब हमारे सेंटर पे, जब हमारे घर के पास सेंटर खुला, तो हम वहाँ विजिट करने के लिए जब सेंटर पर गए, तो वहाँ हमने बुक्स पढ़ी, और मुझे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने का वहाँ बहुत शौक था, और जो वहाँ एक्टिविटीज़ होती थी तो उससे मन करता था, क्योंकि एक खुशी मिलती थी लाइब्रेरी से। वही है कि हमारा सेंटर ही लाइब्रेरी से स्टार्ट होता है। तो मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया। ऐसे ही मेरे पेरेंट्स का था कि 17 साल की उम्र में शादी कर देनी है और कुछ नहीं करना है, और वही जर्नी खत्म है, जाओ और रोटी बनाओ और खाओ पियो ऐश करो। तो वहीं से हमारी किताबें स्टार्ट हुई। मेरी मम्मी डैडी शुरू से ही बहुत मेहनत करते थे, और उन्होंने मेहनत करके ही मुझे पढ़ाया। मेरे रिलेशन में दूर दूर तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की थी, बहुत बातें बनाई लोगों ने, मतलब कि जो पास में लोग रहते थे उन्होंने भी, और जो मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने भी, और जो मेरे सगे थे, मतलब सगे चाचा वगैरह फुफो, उन्होंने मम्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उठाए कि क्यों पढ़ा रही हो। मेरी मम्मी ने हाई स्कूल इंटर तक सुना कि ठीक है इंटर पढ़ा के बंद करके शादी कर देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर सोचा कि लेकिन मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने मुझे किस मेहनत से पढ़ाया है। जब वो रात को 8-8 बजे आके हमारे लिए खाना बनाती थी, और कैसे वो हमारी स्कूल की फीस भरती थी, हम तीनों बहनों को इतनी मेहनत से पढ़ाकर किसी की ना सुनकर आगे पढ़ती थी। तो मैंने एक मन में ठाना कि चाहे जैसे मेरी माँ ने सबकी सुन के हम लड़कियों को आगे बढ़ाया, ऐसे ही मुझे अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी कैसे भी ना करके, कुछ भी किसी से लड़ाई हो, बट मुझे शादी नहीं करनी है। तो वही सपना मेरा साकार होता गया। मेरे लिए एक मेरी पहली सीढ़ी रीड इंडिया खुली, वहीं से मेरी लाइब्रेरी की स्टार्ट हुई।
और ECD में मुझे वहाँ से जॉब मिली। मैंने ECD को शुरुआत करके फिर मुझे मैंने कंप्यूटर सीखा, फिर मुझे कंप्यूटर में वहाँ पर लड़कियों को सिखाने का मौका मिला। वहाँ तो मेरा 5-6 किलोमीटर मुझे दूर आगापुर जाना पड़ता था, लेकिन जब मैम ने पटवाई सेंटर 15 किलोमीटर दूर खोला तो वहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेटर मुझे बना दिया गया। और वहाँ पर मैं किसी लोगों को भी नहीं जानती थी, बहुत फर्स्ट टाइम डर लगा जाने में, लेकिन इतनी ट्रेनिंग्स मुझे यहाँ पर मिली है, कॉन्फिडेंस मिलने की, आर्ट थेरेपी की, मोबिलाइजेशन करा लोगों से बातचीत करने की। तो वहाँ 15 किलोमीटर दूर जाके जब मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया और मैंने सेंटर को संभाला, तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर, जितने आज 7 साल बाद 4 से 5 हज़ार लोग मुझे जानते हैं और बहुत ही आदर से सम्मान से मेरा वेलकम करते हैं। और हम जो भी लड़कियों को, लड़कियाँ ट्रेंड हैं, उनके घरों में जाकर उनको कैसे बाहर निकालते हैं, उनको हम अपनी सक्सेस स्टोरी बताने की कि हम किस तरीके से यहाँ पर आए हैं, जब उनके पेरेंट्स अपने घर से वहाँ भेजते हैं। तो शायद टाइम कम है, मैं अपनी एक छोटी सी पोएम सुनाकर एंड करना चाहूँगी। राह में मुश्किल होगी हजार, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, सपनों के सागर में तुम कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह है चुनो तो सही, चुनो तो सही। तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ लेके जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ लेके जाओगे। गिरते पड़ते संभल जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू फरा। मैंने फरा को एक छोटी सी लड़की से ट्रांसफॉर्म होते हुए यहाँ तक देखा है, सो यू आर वन ऑफ आर शाइनिंग स्टार, सो कीप शाइनिंग फरा। मैं अब ऋतु को बुलाना चाहूँगी। ऋतु प्लीज कम ऑन माइक। मैं आप सभी को नमस्ते करती हूँ, गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि एकदम से बोल दिया गया कि आपको बोलना है, और ये हमारे लिए एक गिफ्ट भी है कि एकदम से बगैर प्रिपरेशन के हमें बोलना, सबके सामने आना, ये एक बिग चेंज है हमारी लाइफ का। क्योंकि प्रिपरेशन करके तो बोलना बहुत इजी होता है, एकदम से कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे लिए बहुत सारे वर्डिंग है, अभी मैं बैठ के सोच रही थी कि क्या क्या बताऊँ, क्योंकि मैम ने इतने लोगों की लाइफ चेंज की है, हम लोग बता नहीं सकते। सबसे पहले मैं अपने बारे में ही बताऊंगी। मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है। मेरी शादी हुई थी 2012 में और 2014 में हमारा सेंटर ओपन हुआ था मेहंदीपुर झज्जर डिस्ट्रिक्ट के गांव में। तो मैं बिल्कुल भी किसी को भी नहीं जानती थी वहाँ पे, और जो हमारी हवेली है उसको सभी गांव वाले अभी लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। रीड इंडिया सेंटर बहुत कम बोलते हैं, सभी लोग लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। और ये बहुत अच्छा भी है कि एक बंजर घर, वो एक बिल्कुल बंजर घर पड़ा था वहाँ पे, लोग उस गली में जाना भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो हवेली ऐसी थी कि लोग वहाँ पे जाने से डरते थे। तो फर्स्ट टाइम मैं उस हवेली में गई, वो हमारे पूर्वजों की हवेली थी। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि जो हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, तो सबका जन्म यहाँ पर हुआ है। तो मैं भी देख के शौक हो गई। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में शायद यहाँ पे कुछ ओपन हो, जैसे लाइब्रेरी है, या फिर देखते हैं क्या ओपन होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बातें ही चल रही थी 2012 में, जो रंजीव दलाल सर हैं उन्होंने बताया था। तो मैं देख के एकदम शौक हो गई कि ऐसी हवेली में कुछ खुलना, और फिर यहाँ इतने बीच गाँव में वो चलना बहुत टफ है।
तो मैंने देखा कि ठीक है चलो देखते हैं क्या हो गया। तो फिर जैसे ही वो लाइब्रेरी ओपन हुई तो मैं कंटिन्यू स्टडी कर रही थी अपनी शादी के बाद भी, तो मैंने देखा कि लाइब्रेरी ओपन हुई है तो क्यों ना मैं बीएड कर रही थी, तो मेरे बीएड के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा कि लाइब्रेरियन का ही कोर्स क्यों ना कर लेती हूँ मैं। तो वो मैम ने ही मेरी लाइफ में इतना चेंज डाला है कि एकदम से लाइन चेंज हो गई। मैंने बिलीव किया और उस टाइम मेरी जैसे कंटिन्यू स्टडी हो रही थी तो मैं सेंटर पे आके ही मैं पढ़ती थी और वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली। जैसे घर पे गीता की बुक्स नहीं थी तो मैम ने वहाँ पे गीता रखवाई हुई है, मतलब काफ़ी सारी बुक्स हैं जो कि हेल्प मिलती है कि किसी भी टाइप की आप बुक पढ़ो। तो मैं उस टाइम गीता की बुक पढ़ती थी और फिर उसके बाद अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी। तो इस तरह से डिलीवरी होनी थी मेरी और ऑपरेशन के बाद 6 दिन के बाद मैंने एग्ज़ाम भी दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप एग्ज़ाम छोड़ दो क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप एग्ज़ाम दो, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं एग्ज़ाम छोड़ दूँगी तो फिर लोग ये कहेंगे कि लिया था एडमिशन और छोड़ दिया। तो मैंने कहा नहीं मैं एग्ज़ाम दूँगी, कैसे ना कैसे करके मुझे एग्ज़ाम देना है। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरे अच्छे मार्क्स आए, मेरे 80% मार्क्स मैंने उस टाइम मेरे बिलिंग में आए थे। तो मैं बहुत खुश हुई कि मैम ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वहाँ बैठ के पढ़ी, क्योंकि घर पे नेट भी इतना अवेलेबल नहीं होता, वहाँ बैठ के नेट से नोट्स निकालती थी मैं और तब पढ़ती थी। फिर उसके बाद मैंने एमलिब किया, एमलिब में भी ऐसे ही मैंने सेंटर पे बैठ के पढ़ाई की, क्योंकि घर पे हम लोग काम होता है इतना सारा, फैमिली मेम्बर्स होते हैं सबको संभालना, तो एक सेंटर ही ऐसा था जहाँ पे बैठ के पढ़ती थी मैं। वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई बिल्कुल ही, मतलब मुझे स्टडी मिली हर एक चीज़, चाहे मुझे किसी भी चीज़ का कोई भी बुक्स, अभी मेरा स्टाफ है अगर वो बोलता है कि हमें हमें क्या डिज़ाइन करना है तो हम लोग वहीं से सब कुछ सीखते हैं, नए नए डिज़ाइन सीखते हैं। तो मेरी लाइफ तो बहुत चेंज हुई है। दूसरा, जो हमारी हवेली है वो किसी ने नहीं सोचा था कि एक बंजर जगह इतनी अच्छी बन जाएगी, और आज गांव का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो वहाँ पे नहीं आता है, क्योंकि जो हमारा गांव है वो बिल्कुल अप्रोच रोड पे है तो ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और बच्चों को शौक होता है कि स्टोरी बुक्स पढ़ना, या फिर कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जिनको वो बुक्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए मैंने जैसे केमिस्ट्री फिज़िक्स की बुक्स मंगवाई हैं, ऑनलाइन मैं ऑर्डर करती हूँ और उनके लिए लेके आती हूँ, और उन बच्चों ने 15-15 दिन में आते हैं वो, लेकिन पूरा साल मेरे से उन्होंने बुक ली है और वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उनकी लाइफ का बिग चेंज है, क्योंकि वो ऐसे बच्चे हैं कि वो बुक नहीं खरीद पाते अगर लाइब्रेरी नहीं होती, और उनको बहुत हेल्प मिल रही है लाइब्रेरी से। और दलाल सर ने भी इतना सपोर्ट किया है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सर हर टाइम बोलते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए बगैर झिझक के, अगर आप मुझे रात को 10 बजे भी फ़ोन करोगे तो भी मैं आपका फ़ोन उठाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम पूछूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या करना है कैसे करना है। दलाल सर और गीता मैम, हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन प्रॉब्लम्स गीता मैम और सर ही सॉल्व करते हैं। थैंक यू मैम सबकी इतनी लाइफ चेंज करने के लिए। अभी एक और स्टोरी बताती हूँ मैं, हमारी एक बेनिफिशरी है, उन्होंने हमारे सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था और उनके हस्बैंड की 1 साल के बाद डेथ हो गई जब उन्होंने कंप्यूटर सीखा था, तो उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था कमाने के लिए, तो वो मतलब तैयारी करती थी घर बैठ के, तो उन्होंने कंप्यूटर के थ्रू ही बैंक में गई, वो उन्होंने हमारे सर्टिफिकेट्स दिखाए, तो उनको अभी आज इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, वो बैंक में काम करती हैं और वो थैंक करती हैं मैम को कि मैंने सही टाइम पे कंप्यूटर सीखा, कि अब मैं जो कमा रही हूँ मेरे कमाने का ज़रिया ये सेंटर है, इसने मुझे इतनी ज़्यादा मेरी मदद की है कि मैं यहाँ से सीख के अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अपने घर को चला रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेंगी आपको हमारे गांव में, हम सभी के गांव में, क्योंकि वहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं,
किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो सेंटर पे आके स्टाफ के साथ शेयर करता है, और हम लोग भी अगर उनकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं उनकी सभी की प्रॉब्लम सोल्व करें किसी ना किसी तरह। और अभी मैम की, मैम को देख के ही हम लोगों में भी ये थॉट्स आए हैं कि शायद हम अगर कहीं प्राइवेट और जगह जॉब करते तो शायद हम लोग सेल्फी होते, हम अपने बारे में सोचते, लेकिन अभी हम रीड के साथ मैम को इतना अच्छा कि मैम सबके बारे में सोचती है, अभी हमारे भी बिल्कुल ही वैसे हो गई है हॉबी कि सबकी प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम लगती है, हम सबके साथ कनेक्ट करना। थैंक यू। थैंक यू ऋतु, हमने बिना बताए इसलिए बोला क्योंकि हमें मालूम है इस पार्टनरशिप पे ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है और ट्रस्ट है हमारे ऊपर। सो थैंक यू फॉर दैट इम्प्रॉम्प्टू शेयरिंग। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अंजू। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अंजू गौर है, मैं द्वारका सेंटर रीड इंडिया से हूँ। हम पिछले 12 सालों से साथ में हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि थैंक यू टू मैम एंड रीड इंडिया हमारे सपनों को उड़ान देने के लिए। इतना बस है कि जीरो से हीरो तक का सफ़र है हमारा रीड इंडिया के साथ। थैंक यू टू मैम इस मंच तक आने के लिए, क्योंकि हमारा सपना है जो आज सच हुआ है। थैंक यू। थैंक यू अंजू, ये भी अपनी स्टोरी पूरी तरह से उन्होंने बताई नहीं है। सो ये भी काफ़ी मतलब पहले शर्माते थे, जैसे कि ऋतु ने और फरा ने बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ की काफ़ी चैलेंजेस थे, बट नाउ यू कैन सी यू नो हाउ ट्रांसफॉर्म शी इज़। सो विदाउट यू नो फर्दर डिले आई वुड यू नो लाइक टू थैंक ऑल द स्पीकर्स हियर। थैंक यू फॉर यू नो बींग आर पार्टनर। थैंक यू टू कीप ऑन इंस्पायरिंग अस टू डू मोर। एंड थैंक यू फॉर यू नो दैट ट्रस्ट, जो ट्रस्ट हमें कम्युनिटी लेवल पे चाहिए, वो जो आखिरी माइल पे जो ट्रस्ट चाहिए, वो ट्रस्ट आपने जो हम लोगों के साथ मिलके जो उसको बांध के पकड़ के रखा है पिछले 17 सालों से, और आगे जो 17 साल या 70 साल जितने भी साल हैं, सो वी हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। सो थैंक यू फॉर यू नो जॉइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। Right now we are in the last mile of our today's deliberation. So we are recognizing हम कुछ अपने जो shining stars हैं, जो हमारी community के सितारे हैं, उनको हम recognize कर रहे हैं। So आप अगर 5 मिनट और रहेंगे stage पे, I would like to invite Jay sir, Suraj sir and Geeta ma'am also. Please you know join us in recognizing these shining stars. First is Miss Aarti Rana from Lakhimpur Center. Aarti ji, a big round of applause for our shining star Miss Aarti Rana. She is the pillar who is taking our culture to the world. She is an inspiration for all of us. Next is Shireen from Lucknow. Shireen, आरती को मैंने कल जब सुना तो इन्होंने बोला मैं स्कूल ही नहीं गई हूँ, और 350 सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं और उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड ले चुकी हैं। नेक्स्ट इज शिरीन फ्रॉम लखनऊ सेंटर। शिरीन वुड आल्सो लाइक टू से समथिंग। शिरीन लखनऊ से है, हमें सरकार ने लाइब्रेरी दी थी उसको रिजुविनेट करने के लिए। लखनऊ की गवर्नमेंट की लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी बंद थी, बच्चे नहीं आते थे, शिरीन के ज्वाइन करने से आज 70 से ऊपर बच्चे लाइब्रेरी में आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शिरीन फ्रॉम लखनऊ लाइब्रेरी। एंड मैं बस कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी कि दो शब्दों को मिला के बनने वाला बहुत ही सुंदर और प्यारा शब्द है पुस्तकालय। द लाइब्रेरी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। इस लाइब्रेरी ने बहुत लोगों की दुनिया को चेंज किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल, नो डाउट। और मैं दो लाइंस में अपनी बात कंप्लीट करूँगी कि ये बुक्स जो है ना, वो कभी हमें धोखा नहीं देती हैं, राइट? दूसरी थिंग ये है कि ये जो बुक्स हैं, वो कभी कभी हम इनकी स्टोरीज़ को पढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है कि हमें ये हंसा रही हैं,
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ के जुड़े हुए इतने इमोशंस होते हैं जो उन स्टोरीज में निकल के आते हैं, कभी कभी ये बुक्स हमें रुला भी देती हैं, राइट? लेकिन कभी हमें इन बुक्स से, लाइब्रेरी से कभी धोखा नहीं मिला। और आपको पता है कि मैं ऐसी जगह से बिलोंग कर रही हूँ जहाँ पे हमारा सेंटर है, वहाँ पे लाइब्रेरी की मतलब नहीं पता थी। मैंने कल भी बात बोली तो एक छोटा सा आइडिया मैंने लिया कि जब हम औरतों को जो कि 60 अबव हैं, 60 से भी ऊपर 70 इयर्स की हैं, उन्हें मैं बोलती थी कि लाइब्रेरी आइए, लाइब्रेरी आइए, तो वो ये बोलती थी कि मैं क्या करूँगी आगे लाइब्रेरी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब वो बूढ़ी औरतें लाइब्रेरी आई जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो मैंने उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये आइडिया अपनाया कि मैं उनको बिठाती थी अपने सेंटर में और बिठा के स्टोरीज को चूज करती थी। जस्ट लाइक कि वो ऐसी जगह से बिलोंग करती हैं कि जहाँ पे थोड़े से लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो मैंने जस्ट लाइक झांसी की रानी मैं उसकी स्टोरी सुनाती थी, टीपू सुल्तान मैं उनकी स्टोरी सुनाने लगती थी। तो जो बुजुर्ग लेडीज होती थी काफ़ी इंटरेस्ट लेके वो सुनती थी क्योंकि वो पढ़ नहीं पाती थी। इससे रिजल्ट क्या मिला कि उन लेडीज ने जो लाइब्रेरी आने से डरती थी, लाइब्रेरी का मतलब नहीं समझती थी, उन्होंने क्या करा कि मैम बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बुक से देख के पढ़ती हैं, तो ऐसा करते हैं कि आज हमारे घर के बच्चे भी जाएं और जाके उस बुक्स को रीड करें। जो बच्चे क्लास 9th और 10th के आते हैं हमारी लाइब्रेरी में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है कि वो इंटरेस्ट लेते हैं हिस्टोरिकल बुक्स में। तो आज हमारी लाइब्रेरी में आने वाले बच्चे करीब 70 से ऊपर हैं। थैंक यू सो मच एंड माय प्लेजर कि आज मुझे रीड ने लाइक समझा कि मुझे इस अवार्ड को दिया। थैंक यू गीता मैडम, थैंक यू ऑल। थैंक यू श्री फातिमा, फातिमा फ्रॉम रामपुर। राधा फ्रॉम वजीराबाद सेंटर। शीशपति। धापू फ्रॉम बारात। अर्चना, अर्चना ने अपना सेंटर सेल्फ सस्टेन करना भी शुरू कर दिया है, सो आई थिंक कूडोज टू हर। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अर्चना कुमारी बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बेनीपट्टी सेंटर से हूँ। गीता मैम और रीड इंडिया, मैं आपके आभार हमेशा रहूँगी क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो मुझे थोड़ी सी नर्वस भी हो रही है। और मैंने अपनी लाइब्रेरी में मैम एक ही बात शेयर करती हूँ कि ये फाइनेंशियल इरा है तो सबको पैसे कमाने की चिंता लगी हुई है, लेकिन जो भी आ रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे पास एक रुपये है और मैं आपको दे देती हूँ तो आपके पास 2 रुपये जरूर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन नॉलेज यदि हम शेयर करते हैं तो मेरे पास भी एक है और आपके पास भी एक है, तो फिर जब हम शेयर करते हैं तो मेरे पास भी 2 हो जाएंगे और आपके पास भी 2 हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चे हमारी लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और अपने नॉलेज को शेयर भी करते हैं। और मैं आभारी रहूँगी हमेशा क्योंकि सर सब अपने स्टोरी के, सब अपने लाइफ के नायिकाएँ हैं, सब स्ट्रगल करती हैं अपने लाइफ में। हमारी भी गवर्नमेंट जॉब जब छूट गई थी तो मैम ने मुझे पनाह दी, इसलिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी आजीवन। और मैम मैं तो इतनी लायक नहीं हूँ कि जी से स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं आपके ए को बरकरार रखूँगी जब तक। थैंक यू मैम। थैंक यू अर्चना। सुनील फ्रॉम छैसा, एक बार जोर से तालियां हो जाए सुनील के साथ, सुनील के लिए, ये रियल में हमारे शाइनिंग स्टार हैं। थैंक यू मैम। मैं 2014 से रीड से जुड़ा हुआ हूँ और 2014 में रीड से जुड़ने से पहले मैं बिल्कुल कुछ नहीं था। कुछ नहीं का मतलब ये था कि मेरी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही खराब थी। 2000 मैं थोड़ा सा बैंक में जाना चाहता हूँ। 2006 में मैंने अपनी 10वीं की कक्षा पास की थी जिसमें मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मैं फर्स्ट आया था और मेरे परिवार वाले भी सब बहुत ही खुश हुए थे कि हमारा बेटा आगे बढ़ेगा और कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। लेकिन मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया तो मुझे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी।
दसवीं करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और एक साल का गैप हो गया। और मेरे बड़े भाई को पता था कि सुनील पढ़ाई में बहुत होशियार है, तो उन्होंने हरियाणा ओपन से मेरा फॉर्म 12वीं का फॉर्म भर दिया और 12वीं मैंने 12वीं कर ली। और उसी साल मेरे पिताजी की डेथ हो गई और मैंने अपने जिस कंपनी में मेरे पिताजी काम करते थे मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली और मैंने एक एज ए लेबर मैंने काम करना शुरू कर दिया। और वो काम मुझे पसंद नहीं था लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी में करना पड़ता था। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी और उसी साल एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम चला था और गीता मैम गई थी छायसा सेंटर पे, तो मैं वहाँ पर हमने अपना वर्क दिखाया और महिलाओं से मिला। लाइब्रेरी में मुझे जब भी टाइम मिलता था लाइब्रेरी की बुक यूज करके मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता रहा। मेरे फैमिली मेरे परिवार वालों को पता था सुनील गवर्नमेंट जॉब में जरूर लगेगा किसी न किसी दिन, तो मैंने रीड की लाइब्रेरी यूज कर करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की किताबें पढ़ पढ़ के मैं आज मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और मेरे साथ ही जो बच्चे मेरे गांव के जो बच्चे हैं उनको मैं एज ए ट्यूशन क्लासेस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लासेस देता हूँ। 15 बच्चों ने सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मेरे साथ क्वालिफाई किया है, बाकी गवर्नमेंट जॉब में मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं रीड इंडिया का पूरा आभारी रहूंगा और रीड के साथ हमेशा एज ए वॉलंटियर में वर्क काम करता है। मेरी जॉब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फरीदाबाद। मेरा नाम मनीषा है, मैं छायसा से आई हूँ। मैं पहले मतलब मैं 12th की थी तब मैंने तो हमारे घर की जो कंडीशन थी बहुत ही लेकिन बाद में मतलब मेरे घर वालों ने तो मुझे सपोर्ट किया, फिर मैं रीड इंडिया से जुड़ी जिससे मुझे दरी बनाने का मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद में मतलब कुछ पैसे कलेक्ट करके मैंने अपना एडिशन स्टार्ट किया, मतलब एडिटिंग का है मैंने। अभी भी मैं ग्रेजुएशन करी हूँ 2nd ईयर और मैं अपने मतलब टीचिंग भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। सुमन जाफराबाद थोड़ी सी तालियां तो बजा दीजिए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गीता मैम और रीड इंडिया का, क्योंकि मुझे ये फील्ड के दौरान ही पता चला था कि यहाँ पर एक सेंटर है और मैंने उस सेंटर में जाकर कंप्यूटर सीखा और उसके बाद मैंने दिल्ली महिला आयोग में जॉब ज्वाइन की और जो मैं दीपशिखा में ही दूसरे प्रोजेक्ट में काम करती हूँ दिल्ली महिला आयोग में, वो सब संभव हो पाएगा आपकी वजह से गीता मैम, थैंक यू। हमारे लीडर देवजी भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा इतना सम्मान किया। मैंने आपको तब सुनाया था कि इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला है। मेरा फादर 90 इयर्स ओल्ड है और ब्लाइंड है। इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला तो जो नेशनल अवार्ड हमको जो मिला था ना उनको सबको बुलाया बिठाया और बात किया कि नेशनल अवार्ड इतना सारा लेकर क्या करोगे, तो हम तो सब चुप हो गए कि क्या करेंगे तो मतलब क्या है। तो बोले और कुछ नहीं करना है लेकिन आपके पास जो स्किल है वो बांटो, अब सबको बांटो, सबको दो वो स्किल, दूसरों को सिखाओ। तो योगानुयोग मैडम से भी मुलाकात हो गई और ये मौका मिल गया, अब ये बांटना है बस। धन्यवाद।
इनको ना एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं इटली से जर्मनी से. ही कांट स्पीक इंग्लिश, वो समझ नहीं सकते हिंदी. तो वो कहते हैं मैं उनको अपनी ही किसी लैंग्वेज में ऑर्डर ले लेता हूँ और सप्लाई कर देता हूँ और कम्युनिकेशन. हमारा एक मिशन है, हमारा फैमिली का एक मिशन है एफ टू एफ, फार्मर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, फैशन से फॉरन. सविता फ्रॉम जेवर, रजनी फ्रॉम जेवर, जेवर टीम आ जाए. सविता, रजनी एंड प्रिया, प्रिया फ्रॉम जेवर, सविता. रजनी, कुछ बोलने? वैसे तो आप जान ही गए होंगे हम जेवर से आए हैं. मेरा नाम प्रिया है और मैं बस थोड़ी सी दो तीन लाइन बोलूंगी कि पहले मैं इसी सेंटर में स्टूडेंट थी और अब मैं पार्लर की ट्रेनर हूँ और पार्लर की जॉब करने के साथ साथ मैं घर पे भी पार्लर का काम करती हूँ. इसीलिए मैं सभी को, इन सभी टीम को मतलब धन्यवाद बोलना चाहूँगी. इनकी वजह से मेरी इनकम डबल हो चुकी है और शादी के बाद कहते हैं सरनेम बदल जाता है. मुझे हस्बैंड के नाम से जाना जाता था लेकिन अब मुझे देख के सब ये बोलते हैं वो देखो प्रिया के हस्बैंड जा रहे हैं. तो थैंक यू. पवन फ्रॉम मोहम्मदपुर आहिर, पवन. बोलना चाहेंगे? थैंक यू पवन. रिचा फ्रॉम मोहम्मदपुर आहिर एंड रेशमा फ्रॉम मोहम्मदपुर आहिर. रेशमा, सीमा फ्रॉम सुंद and Savita from Sun. नमस्ते सबको. मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़े कम शब्दों में लेकिन क्योंकि टाइम भी कम है और थोड़ी नर्वस ऐसी है और फर्स्ट टाइम मैं बोल रही हूँ मंच पे आकर. तो मैं इतना ही बताऊँगी कि मैंने जो ये ट्रेनिंग की ब्यूटी की मैंने मोहम्मदपुर अहिर से ही सीखा था और अब मैं एज अ ट्रेनर सोन में जॉब कर रही हूँ. तो थैंक यू सो मच मैम ये सिखाने के लिए और ये सेंटर वहाँ खोलने के लिए. थैंक यू सो मच. सविता फ्रॉम सुन. नमस्ते सभी को, मेरा नाम सविता है. मैं सोन सेंटर में स्टिचिंग की जॉब करती हूँ और मैंने ये स्टिचिंग यहाँ से मोहम्मदपुर अहिर से सीखा था और मैं रीड में सीखकर रीड में ही काम कर रही हूँ और मैं इसके साथ साथ अपने घर भी बुटीक खोल रखी है और उसमें भी काम करती हूँ. थैंक यू. अब हमारी गरिमा ग्रह की शाइनिंग स्टार्स अमीशा, सुमति, रीना एंड शशि. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमीशा है. आई एम फ्रॉम गरिमा ग्रह. सो जब मैंने एक्चुअली मेरे डैड नहीं है, मैं जब 13 साल की थी तो मेरे डैड हमें छोड़ के चले गए थे और मैं बहुत छोटी फैमिली से हूँ. उसमें मेरी मम्मा है और मेरी एक सिस्टर है और मैं हूँ. तो मेरी मम्मा जैसे ही जब डैडी गए तो उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी थी. तो उन्होंने हमें मतलब उन्होंने कभी नहीं बोला
कि आपको कुछ करना है या कुछ भी, हमारी जितनी भी चीज़ें होती थी हमारे बिना बोले मम्मी कर दिया करती थी, हमें कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी मम्मी हमें ये चाहिए। पर जब मैं बड़ी हुई, मैंने 12th पास आउट करी और मैंने देखा हमारी मम्मी हमें मतलब इतने महीनों से हमारी पढ़ाई करवा रही हैं, कभी उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं करी, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को मम्मी की हेल्प करनी है और मेरे को अपनी छोटी बहन को टीच करना है, उसकी अच्छी एजुकेशन हो तो मेरे को भी जॉब करनी है। तो मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा मेरे को जॉब करनी है, तो मम्मा ने बोला अच्छा ठीक है। तो मम्मा PVR में है अभी, तो जब गरिमा गृह बन रहा था तो वहाँ पे शिवानी मैम आती थी, तो फिर मैम मम्मी ने शिवानी मैम को बोला कि मेरी बेटी ने कंप्यूटर कर रखा है और उसको जॉब करनी है, तो मैं शिवानी मैम से मिली थी, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर अब मैं गरिमा गृह में एक IT टीचर हूँ। वहाँ पे जिस तरह बच्चे आते हैं और मतलब एक टॉयलेट है और टॉयलेट के साथ एजुकेशन चल रही है, मैं जब खुद गई थी तो मैंने देखा था तो मेरे को थोड़ा हुआ था कि मतलब बहुत पुअर, मतलब लोग इतने छोटे छोटे, हम मतलब जहाँ पे धड़े हैं उतने एरिया में लोग रहते हैं, उसी में किचन है, उसी में बेडरूम है, 5-6 भाई बहन हैं, पापा हैं, सब एक साथ रह रहे हैं, और वो मतलब कभी ये नहीं बोलते कि हम प्रॉब्लम में हैं। मैंने उनको देखा और उनसे खुद सीखा कि मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, और मैं उनके साथ रोज़ जाती हूँ, मेरे को इतना कुछ सीखने को मिलता है, मैं उनको सिखाती भी हूँ। और मेरी टीम और गीता मैम, मैम के लिए तो मैं कुछ मतलब मेरे पे वर्ड्स ही नहीं है, मैं गुरु जी को मानती हूँ। और मैं मैम को, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैम को देखा तो मेरे को ऐसे लगा कि मैं गुरु जी को देख रही हूँ। तो थैंक यू मैम विद अस एंड थैंक यू सुमति, रीना, would you like to say something? Good morning everyone, my name is Sumiti and I am from Garima Gireh, Read India, and मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैंने इस रीड इंडिया की जॉब से मैं अपनी हायर स्टडीज़ कर रही हूँ, अभी मैं BSc कर रही हूँ और मेरे को आगे चल के BTech करना है, तो मैं उसमें एडमिशन लेना चाहती हूँ। और इस जॉब से मुझे बस फाइनेंशियली नहीं, और मतलब उसमें मेरे को सोशली और फैमिली में भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है कि मैं ये जॉब भी कर रही हूँ साथ में अपनी स्टडीज़ भी कर रही हूँ। थैंक यू टू एवरीवन। रीना, रीना हमारी स्विंग ट्रेनर है ना, रीना जी आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सबको, मैं स्टिचिंग ट्रेनर हूँ, मेरा नाम रीना है। मैं गरिमा गृह में पहली बार आई थी, तो इससे पहले मैं कंपनी में जॉब करती थी, मुझे नहीं लगा था, जब लॉकडाउन हुआ था तो मुझे ऐसा लगता मेरे बेटा 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको आगे नहीं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन फिर गरिमा गृह में मैं आई और शिवानी मैडम से मिली, फिर मुझे जॉब पाकर मुझे इतना अच्छा लगा और मैं अपने आगे बेटा को पढ़ा रही हूँ और मेरी बेटी भी MA करी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शशि द शाइनिंग स्टार। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शशि है और मैं रीड इंडिया से पिछले 9 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक विद्यार्थी के रूप में रीड इंडिया में आई और मैंने देखा घर पे, जैसे मैंने बात की कि मुझे भी कोई कोर्स करना है, तो फैमिली ने काफ़ी मेरे को रोका और बोला कि नहीं, बच्चे पालो, बच्चे संभालो और घर का खाना बनाओ, यही काम होता है लेडीज़ों का। आप, मैं वजीराबाद गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वजीराबाद गांव में थोड़ा घूंघट प्रथा बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया कि मुझे एडमिशन कराना है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले मैं जाके देखता हूँ कि माहौल कैसा है, और वो आए और उन्होंने विजिट किया सेंटर को, तो उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी और बोले कि मैं पापा को मम्मी को मैं मनाऊँगा, तुम जाओ। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल था,
बट उसी दौरान जब मैं कोर्स कर रही थी, मैंने पहले बेसिक कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने अपना एडवांस कोर्स किया। लेकिन एडवांस कोर्स करते करते मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब हुई और कंडीशन यहाँ तक आ गई कि डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपके हस्बैंड शायद ना बचे। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने अपना हाथ मेरे हाथ में रख के बोला कि आगे तुझे बच्चों को तुझे संभालना है। वो टाइम मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। मैंने अपने आप को संभाला, मैंने बात की मैं संभालूंगी, बच्चों को भी संभालूंगी, बट आप अपनी हिम्मत मत छोड़िए। उसी दौरान मेरा बेटा 11th में था और हालात इस कदर आ गए कि मैं उस टाइम पे अपने हस्बैंड का सपोर्ट करूं, बच्चों को पढ़ाऊं या मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही थी। उस टाइम मैं बिल्कुल एकदम से टूट गई थी, बट मैंने रीड इंडिया में मैम से बात की और अपनी जॉब के लिए मैम से पूछा तो मेरे को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। उसी दौरान फिर मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि मैम वो मम्मी हमारा तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा अगर हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो। उस दौरान एक माँ के लिए मरने की नौबत आ गई थी क्योंकि बच्चे की एजुकेशन मैं पूरी नहीं करवा पा रही थी। लेकिन मैंने रीड इंडिया में ज्वाइन किया और आज मेरा बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और MNC कंपनी में आज वो जॉब कर रहा है। और उसी दौरान मेरे बड़े बेटे को भी ऑफर मिला और उसने भी आज MNC ज्वाइन कर ली है और उसकी भी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है। थैंक यू फॉर रीड इंडिया, थैंक यू गीता मैम, थैंक यू सो मच मैम। We have a special guest, Sonam Yadav ji. She's been patiently sitting and listening to us throughout. So please, Sonam, come. She's been associated with Reed while she was in Mewat in the DC office. Recently, she's joined M3M, but this association has been very long, and she's really helped us because Mewat mein kaam karna thoda challenging hai, aur aise partners ki support ke bina hum कहीं कहीं अटक जाते हैं। सो थैंक्स टू सोनम एंड हर स्पिरिट टू सपोर्ट। थैंक्स सोनम। लेकिन आई डोंट थिंक मैं डिजर्व करती हूँ, बट बिकॉज इट वॉज माई ड्यूटी टू एसोसिएट विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड या आई थिंक माई फर्स्ट विजिट विद डिम्पल जी वॉज मोहम्मदपुर रही सेंटर एंड इट वॉज अ सडन विजिट। सो आई गेस इट वॉज वेल मैनेज्ड एंड ऑल बिकॉज और भी काफ़ी मैंने सेंटर्स विजिट किए थे नू में, ताउलू में, बट आई थिंक रीड इंडिया ने जिस अकॉर्डिंग उसको वेल मैनेज किया हुआ था एंड द प्लेसमेंट रेशो वॉज गुड, द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेशो वॉज ऑल्सो गुड। सो या रीड इंडिया इज़ डूइंग गुड वर्क एंड मैं रीड इंडिया के साथ और भी आगे काम करना चाहूँगी बिकॉज नाउ आई हैव started working with M3M Foundation, so looking at new projects like millet promotion and all. So yeah, I am also working on similar projects. So yeah, we would like to collaborate with you guys. Yeah. Thank you, Sonamji. So I would like to invite Aarti, our truly shining star, to give the vote of thanks. So I am not prepared for this, but I have seen Smita ma'am, Geeta ma'am doing it every time for all of us. Thank you so much, everybody. Thank you all the people who have came from so far to be here on the special day, special occasion. Thank you, sir, for coming. Your guidance always help us do wonders. Whatever we are listening today, whatever we are watching today on the screen, it's all because of your guidance. Thank you, ma'am, for always being with us, guiding us all the time. Thank you for the inspiration, sir. Thank you for guiding us in Latur, in Aurangabad all the time. We have people all around in India and we are thankful to you all because you are our arms, our eyes, our ears. Because of you, we are here. So thank you so much. I would like to thank everybody here on behalf of Reed India. Thank you so much for being with us. I would also like to thank my team, Reed India team. Please come here. Please, 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 tirelessly you've been working. Please come here and please take our thanks. All, everybody. Reed India team and awardees,